Revenue. Revenue means the amount received by a firm from sale of a given quantity of a commodity. Commodity can be goods or services. Revenue के अंदर तीन concept important है, total revenue, average revenue and marginal revenue. Revenue हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? हम जानते हैं हर एक organization का मकसद होता है profit कमाना, और profit होता है revenue minus cost. इस कारण से revenue को समझना important है. Total revenue. Total revenue means total amount received by the firm from sale of a given quantity of a commodity. Simply, total revenue is equals to price into quantity. For example, हम डमोसे बेचते हैं. क्या? डमोसे. अरे समोसे का बड़ा भाई, डमोसे. हमने 10 डमोसे बेचे. Quantity 10. और हर एक डमोसा बेचा 5 रुपए के प्राइस पे. तो टोटल रेवेन्यू हो गया 50. टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं एज एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, बिकॉज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. और टोटल रेवेन्यू को लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. जो एवरेज रेवेन्यू है वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे कि प्राइस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. बायर प्राइस पे करता है, सेलर वो प्राइस रिसीव करता है, तो उसके एंगल से वो रेवेन्यू कहते हैं. अब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? वी नो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड एवरेज ऑफ रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. और टोटल रेवेन्यू के जगह हम ये लिख सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्राइस. हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. अब जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही डिमांड कर्व होता है, उसी को ही प्राइस लाइन बोला जाता है और उसी को ही रेवेन्यू कर्व कहा जाता है. क्यों? इन सब में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक तो क्वांटिटी और प्राइस. इस कारण से जो एवरेज रेवेन्यू होगा वही डिमांड कर्व होगा, वही प्राइस लाइन होगा और वही रेवेन्यू कर्व भी. थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. ध्यान रखें, एक एडिशनल यूनिट, एक और यूनिट बेचने पे टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आएगा उस चेंज को कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू. दैट इज टोटल रेवेन्यू में चेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट है मार्जिनल रेवेन्यू. और इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी टोटल रेवेन्यू से ही बना हुआ है. कैसे? मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम nth यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट्स. दोनों के बीच में गैप आप देखेंगे एक यूनिट का है. सपोज यहां पे 10 यूनिट्स है तो इधर रखेंगे 9 यूनिट, और दोनों के बीच में डिफरेंस. यस. एंड इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड. अब ये वाला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है तभी यूज कर सकेंगे जब हमें टोटल रेवेन्यू के जो डेटा दिया हुआ है उसमें सिंगल यूनिट का गैप हो. लेकिन अगर गैप सिंगल यूनिट का नहीं है, से ज्यादा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स सेकेंड फॉर्मूला हम कभी भी यूज कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट ऑलवेज द प्राइस ऑफ लास्ट यूनिट सोल्ड. मार्जिनल रेवेन्यू जो लास्ट हमने यूनिट बेचा है उस पर जो प्राइस चार्ज किया वो मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होता. मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट ऑलवेज द प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड, लास्ट यूनिट सोल्ड. इसको हम समझेंगे इस तरीके से. सपोज हम डमोसे बेच रहे हैं, ये हैं डमोसे. ये पहला डमोसा बेचा, प्राइस है 5 रुपीस. दूसरा डमोसा बेचा 5 रुपीस पे. तीसरा भी बेचा 5 रुपीस पे. अब तक देखे तो हमने तीन डमोसे बेचे हैं,
टोटल रेवेन्यू होगा 5 × 3 15। हर एक का प्राइस मैं क्या चार्ज कर रहा हूं 5, ये एवरेज रेवेन्यू या प्राइस बोलेंगे। अब सपोज हमने फोर्थ यूनिट भी बेचा और उस पे हमने प्राइस चार्ज किया है 5, तो अब टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 20 5 × 4। और पहले था जब 3 यूनिट बेच रहे थे तो 15, दोनों के बीच में गैप देख लें तो 5, दैट इज एक एडिशनल यूनिट। यहां पे फोर्थ यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया 5 का, यही है मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम फोर्थ यूनिट। माइंड वेल, ये जो फोर्थ यूनिट हमने बेचा ये हम 4 रुपीज या 7 रुपीज पे नहीं बेच सकते थे, दैट मींस हम जो प्राइस चार्ज करेंगे सभी कस्टमर से वो एक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम जो फोर्थ यूनिट बेच रहे हैं उस पर प्राइस चार्ज करें 4 या 7। अगर 4 करना है 4 पर यूनिट तो सभी कस्टमर से, या 7 करना है तो सभी कस्टमर से, ऐसा नहीं हो सकता। कि बाकी सब तो हमने 5 रुपीज पे बेचा है पर यूनिट, लेकिन ये जो एडिशनल एक यूनिट बेचा है वो 4 या 7 पे बेचा, ऐसा नहीं हो सकता। भले रियलिटी में ऐसा हो सकता हो। अब हम इस चैप्टर को डिवाइड करने जा रहे हैं मेन 3 पार्ट्स में। हम इसमें रिलेशनशिप जानेंगे, द रिलेशन बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, नेमली टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें फर्स्ट पार्ट है जब हम स्टडी करेंगे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स का इन द मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दूसरा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट का स्टडी करेंगे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो सकता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और तीसरा पार्ट जो हमने किया है वो है जनरल एक रिलेशन, जो कि हर एक चैप्टर में काम आएगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, ऐसे मार्केट का जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, और ये होता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। और याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा। क्यों, हम जानते हैं अभी। परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में ऐसा फील करें कि आप आलू बेचने गए, आलू आलू, यस, फील करें हम आलू बेचने चले किसी मार्केट में जिस यहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो आलू सेम क्वालिटी का बेच रहे हैं, आलू ही बेच रहे हैं वो भी सेम क्वालिटी का, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब सारे आलू जो है अक्रॉस द सेलर्स वो आइडेंटिकल है और एक ही मार्केट है और सबको पता है ये चीज। अब आप बताइए, आप भी वहां पे जाके बैठे आलू बेचने के लिए, तो क्या आप अपनी मर्जी से कोई प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतने में बेचूंगा? नहीं, मजबूरी में आपको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिस प्राइस पे ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टिंग फर्म बेच रहे हैं। दैट इज, आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, तो यू विल बी प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। आप अपनी खुद की पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे सेलर हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो आप अकेले पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इस कारण से जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री प्राइसेस, जो कि डिटरमाइन होगा पूरे मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के इंटरेक्शन से, उसको इंडस्ट्री प्राइस को ही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्राइस तो जो मार्केट में चलता होगा उसी पे ही आपको बेचना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम कम में भी तो बेच सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कंपटीशन प्राइसेस कम है, और कम में बेचा तो लॉसेस में आ जाएंगे, इस कारण से ये सोचना भी सही नहीं है। इसलिए प्राइस जो चलता होगा उसी मार्केट के प्राइस पे आपको सारे यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। हाँ, यूनिट ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर सकते हैं, दैट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट प्राइस। लेकिन आप ये ना समझें कि पूरे मार्केट में जितने भी यूनिट बेचेंगे आप ही बेचोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं। अब दैट मींस इस कारण से प्राइस तो एक ही रहेगा अक्रॉस द मार्केट, और इस कारण से एवरेज रेवेन्यू जो होगा वही मार्जिनल रेवेन्यू भी होगा और वही प्राइस भी होगा। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये तीनों बराबर होंगे। यहां पे एवरेज रेवेन्यू क्योंकि कांस्टेंट होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा। और मार्जिनल रेवेन्यू इस मार्केट में कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट उसी प्राइस पे, मार्केट के प्राइस पे बिकेगा,
और इसीलिए एडिशनल जो रेवेन्यू है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में ये हो सकता है। अब जरा देखें, इसी चीज को हम समझे एक टेबल से। ये है क्वांटिटी बीइंग सोल्ड और दिस इज द प्राइस पर यूनिट, जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं, वी नो प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव अस टोटल रेवेन्यू। तो जरा टोटल रेवेन्यू हम निकालें, तो टोटल रेवेन्यू आ रहा है 2468। अब इसी में से अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालें, तो एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, और एवरेज रेवेन्यू भी यहां पे 2 ही होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में देखें कितना चेंज आ रहा है। टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, एक एक यूनिट के गैप पे टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है 2-2 रुपी का। इस कारण से यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी 2 ही होगा। दैट इज हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वो सेम है। इसी चीज को हम एक डायग्राम से समझे। इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर लें, एक्स एक्सिस में ले लें क्वांटिटी और वाई एक्सिस में ले लें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम एवरेज रेवेन्यू को प्लॉट करें तो वो इस तरीके से कांस्टेंट होगा। मार्जिनल रेवेन्यू भी वही है, किस्मत से यही डिमांड का वो होता है, और प्राइस भी यही है। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड कर्व और प्राइस लाइन एक ही होगा। व्हाट अबाउट टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव स्लोप्ड है, बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ, क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है अक्रॉस द यूनिट्स वो कांस्टेंट है। इस कारण से तो हमने देखा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। अब एवरेज रेवेन्यू कर्व ही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, वही प्राइस लाइन और वही डिमांड कर्व, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया। यहां पे जो डिमांड कर्व अगर देखा जाए, ये वाला डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। क्यों परफेक्टली इलास्टिक है? रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। याद रखें, हम आलू बेच रहे थे और सबके पास एक ही प्रकार का, एक ही क्वालिटी का आलू है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद है, इसीलिए यहां का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा। ध्यान है नाड़ा? यस। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे कोइंसाइड होंगे क्योंकि एक ही है, तो हमें एक ही नजर आ रहे हैं, और वो होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में, हमने ऊपर ऑब्जर्व किया टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होता जाएगा विथ एवरी एडिशनल यूनिट बींग सोल्ड, और वो जो इंक्रीज होगा वो कांस्टेंट होगा। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा एट अ कांस्टेंट रेट। हम देख सकते थे टेबल में कि टोटल रेवेन्यू जो है 2-2 रुपीज के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, और टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि सोचे अगर हम एक भी यूनिट ना बेचें तो फिर टोटल रेवेन्यू कितना होगा? जीरो। इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन, हम जानते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस लाइन एक ही होता है। तो अगर हम प्राइस लाइन के अंदर वाला पूरा एरिया अगर हम ऐड कर लें तो वो टोटल रेवेन्यू बताएगा। तो देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज द टोटल एरिया अंडर प्राइस लाइन। इसको हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखें, ये देखिए, ये है प्राइस लाइन। इसमें सपोज हम 3 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए तो वी नो प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव अस टोटल रेवेन्यू। तो यहां पे क्वांटिटी तो हो गया 3x एक्सिस में, प्राइस हो जाएगा वाई एक्सिस में, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये बताएगा टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू इज टोटल एरिया अंडर द प्राइस लाइन। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकेंड पार्ट है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में, और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में हमेशा ऐसा होगा कि एवरेज रेवेन्यू विल बी मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू।
इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में, दैट इज मार्केट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली में, कोई भी फर्म, एक सेलर अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करता है. क्यों डिसाइड करता है खुद? क्योंकि उसके जैसा सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं रखता. सिमिलर रख सकता है, बिल्कुल सेम नहीं रख सकता, वो तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है. इसका मतलब है हर एक सेलर को अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज उनका खुद का ओन प्राइसिंग पॉलिसी होगा. और इसीलिए वी कैन से कि वो प्राइस मेकर है, तो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. तो आप कहेंगे फिर तो ज्यादा ही प्राइस डिसाइड करेंगे. नहीं, उनको ये पता है कि अगर वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे तो कस्टमर कम खरीदेंगे, क्वांटिटी कम बिकेगी. इसका मतलब है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेंगे तो उनको प्राइस कम रखना पड़ेगा, ये उनको पता है. दैट मींस अगर उन्होंने प्राइस ज्यादा रखा तो क्वांटिटी कम बिकेगी, और प्राइस कम रखा तो ही क्वांटिटी वो ज्यादा बेच सकते हैं. इसीलिए इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. और इसी कारण से इंक्रीज अगर करना है क्वांटिटी ऑफ सेल को, तो फिर प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, और देयरफॉर प्राइस फॉल्स, दैट इज एआरएफ फॉल्स. और अगर एआरएफ फॉल होगा तो एमआर भी फॉल होगा, लेकिन एमआर विल बी लेस देन एआर, दैट इज फॉल इन एमआर विल बी मोर देन फॉल इन एआर. हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एक टेबल से. देखें, अगर प्राइस रखा हमने 8 रुपीज, तो प्रोडक्ट बिकेंगे 1 यूनिट, और अगर हम ज्यादा बेचना चाहें तो प्राइस कम करना पड़ेगा, हमने जैसे हम देखा अभी. अब प्राइस एंड क्वांटिटी विल गिव अस टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू होगा 1 × 8 = 8, 2 × 7 = 14, 3 × 6 = 18 एंड सो ऑन. इस टोटल रेवेन्यू को अगर हम डिवाइड करें क्वांटिटी से तो एवरेज रेवेन्यू मिलेगा. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा सेम होंगे. व्हाट अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा एक एडिशनल यूनिट बेचने पर. तो अगर जीरो क्वांटिटी बेचते होते तो टोटल रेवेन्यू जीरो होता, और एक एडिशनल यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू हो गया 8. मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू में चेंज हुआ 8 का. फिर सेकेंड यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 6 का. वैसे ही थर्ड यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 4 रुपीज का. हम देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी कम होता चला जा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होता चला जा रहा है. लेकिन आप देखें एवरेज रेवेन्यू 1 से कम हुआ, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 2 से कम हुआ. एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे 1 से कम हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू 2 से कम. इसका मतलब है फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है. इसका मतलब ये हम देख सकते हैं जैसे एआर फॉल हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू उससे कम है एवरेज रेवेन्यू से. इसी चीज को हम एक ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर हमने प्लॉट किया, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. हम सबसे पहले देखें एवरेज रेवेन्यू को. एवरेज रेवेन्यू जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एवरेज रेवेन्यू कम होता चला जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब फॉल हो रहा है. और एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रहा है तो उससे ज्यादा फॉल हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, और इसलिए वो हमेशा इसके लेफ्ट में होगा. और टोटल रेवेन्यू में जो चेंज है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये शुरुआत में बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, और फिर कम होना भी शुरू हो गया टोटल रेवेन्यू. अब इसी चीज को हम अगर समझे केवल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू के टर्म में, तो दोनों ही फॉल हो रहे हैं, लेकिन फॉल इन एमआर इज मोर देन फॉल इन एआर. ऐसा क्यों होता है कि एमआर कर्व जो है इसमें हम देख सकते हैं ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू एआर? क्योंकि एमआर एक एडिशनल यूनिट को ही केवल कंसिडर करता है, जबकि एवरेज सारे यूनिट्स को कंसिडर करता है. इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज आता है वो मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट को ही कंसिडर करता है चेंज करते समय, जबकि एवरेज रेवेन्यू उसको डिवाइड कर देता है इनटू नंबर ऑफ यूनिट. इस कारण से एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन मार्जिनल रेवेन्यू में चेंजेस ज्यादा आते हैं. यहां पे हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव भी है, यहां से यहां तक देखें, फिर जीरो भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू तो केवल पॉजिटिव ही है, वो जीरो और नेगेटिव नहीं हो रहा है. और एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एआर के लेफ्ट में है. रीजन, क्योंकि उसके उसमें जो फॉल हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एआर. अब
टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में हम रिलेशनशिप देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन कम होता चला जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है, तो इसका असर होगा कि टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इस कारण से टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ रहा है फिर थोड़ा कम भी होना शुरू हो गया, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है यहाँ पे तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, ये तो होना ही है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है नेगेटिव हो गया मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा उल्टा कम हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू तो कम ही होगा। अब आप सोच सकते हैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता एट अ इंक्रीजिंग रेट तो वो अपवर्ड मूविंग होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सपोज अगर मान के चले कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव है और बढ़ता चला जा रहा है तो फिर क्या असर होता, तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता एट अ इंक्रीजिंग रेट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। अब हम समराइज करें, परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, अपवर्ड मूविंग होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो परफेक्ट इलास्टिक होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो कि डिमांड कर्व भी होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं, क्योंकि आलू की क्वालिटीज बिल्कुल सेम है और बहुत सारे सेलर हैं, इस कारण से दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और वो भी कॉन्स्टेंट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पॉजिटिव ही होगा, जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, और दोनों बराबर होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है फिर कम होना भी शुरू हो जाता है, मतलब रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट नहीं है। एआर कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एमआर कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन वो एमआर जो है ज़्यादा गिरा हुआ होता है, और यहाँ पे एमआर पॉजिटिव भी हो सकता है, हम देख सकते हैं जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और वन थिंग इज फॉर श्योर AR ज़्यादा ही होगा MR से क्योंकि प्राइस कम होता है और प्राइस अगर कम होगा तो मार्जिनल उससे कम होगा ही होगा, और यहाँ पे फॉर्म जो है प्राइस मेकर होता है। व्हाट अबाउट मोनोपोली, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, उसका भी टोटल रेवेन्यू कर्व इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के जैसा होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू गिरता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरेगा लेकिन ज़्यादा से गिरेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है वो ज़्यादा फ्लैट होता है जबकि मोनोपोली में ज़्यादा स्टीपर होता है। उसका रीज़न है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं होते प्रोडक्ट के, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कॉम्पिटिशन इस कारण से ज़्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पे डिमांड जो है मोर इलास्टिक होता है। जबकि मोनोपोली में एक ही सेलर है उसके जैसा और कोई प्रोडक्ट रखता नहीं है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, इस कारण से इनके प्राइस के चेंज होने पर इनके डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनका जो डिमांड का होता है वो स्टीपर होता है। और यहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में देखें तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे दोनों, और यहां पे भी फर्म जो है प्राइस मेकर होता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखें, प्राइस हमेशा जब बोला जाए प्राइस तो प्राइस होता है प्राइस पर यूनिट। हम यहाँ पे इस चैप्टर में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी इंक्रीजिंग नहीं हो सकते। रीजन बड़ा सिंपल है, हम अगर ₹5 प्राइस रख रहे हैं तो 10 यूनिट बिक रहे हैं, तो अगर हम प्राइस ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा यूनिट थोड़ी ना बिकेंगे, कम ही बिकेंगे क्योंकि कंज्यूमर को तो महंगा लगेगा बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक और चीज, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं होता है प्राइस चार्ज फ्रॉम द लास्ट यूनिट सोल्ड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू द प्राइस चार्ज फ्रॉम द लास्ट यूनिट सोल्ड। रीजन, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम नहीं होता इम्परफेक्ट कंपटीशन में, हमने पहले देखा था एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा और प्राइस इज एवरेज रेवेन्यू, तो दोनों बराबर होंगे ही नहीं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में एवरेज रेवेन्यू जो कि प्राइस होता है वो एमआर के बराबर होता है, तो वी कैन से अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमआर इज द प्राइस चार्ज फ्रॉम लास्ट यूनिट सोल्ड।
एक और एजम्पशन है जो मैंने पहले बताया था कि हम हर एक कंज्यूमर से प्राइस सेम चार्ज करेंगे। एक और स्पेशल पॉइंट, टोटल रेवेन्यू, अगर हम यूनिट ज्यादा बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका जवाब है, एक एडिशनल और यूनिट बेचने पर, मतलब यूनिट जैसे बढ़ते चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि टोटल रेवेन्यू बढ़े, इनफैक्ट टोटल रेवेन्यू कम भी हो सकता है। कॉमन सेंस से तो यही होगा, ज्यादा यूनिट बेच रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद अगर यूनिट ज्यादा और बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाता है। ऑब्जर्व करें ये वाला फेज, ये कब हो रहा है? जब ये देख सकते हैं, इसके बाद टोटल रेवेन्यू इज सम टोटल ऑफ द एरिया अंडर एवरेज रेवेन्यू, क्या ये सही है? तो इसका जवाब है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू हम जानते हैं इज समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, और परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये बात गलत हो जाएगी। अब क्या प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी कभी जीरो हो सकता है? सोच के अजीब लगता है, लेकिन हाँ ये जीरो हो सकता है। फॉर सपोज गवर्नमेंट जो है वो फ्री में मेडिसिंस देता है, प्राइस क्या चार्ज करता है? जीरो। तो भी डिमांड तो होता है ना, इस कारण से टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, और इसी कारण से वो एक्स एक्सिस को भी टच कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल ग्राउंड पे ही होगा, जनरली नहीं होगा। अब हम कुछ जनरल रिलेशन देखें बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल। मार्जिनल क्या? कुछ भी। टोटल क्या? कुछ भी। अगर मार्जिनल पॉजिटिव होगा तो टोटल इंक्रीज होगा, मार्जिनल पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है तो टोटल इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल अगर पॉजिटिव है और कम हो रहा है तो टोटल इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब वो बढ़ेगा लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम होगी। मार्जिनल अगर जीरो है तो टोटल मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और मार्जिनल जब नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो टोटल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हम देखें रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल। एवरेज क्या? कुछ भी। एवरेज बढ़ेगा अगर मार्जिनल की वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, एवरेज कम होगा पहले से अगर मार्जिनल की वैल्यू कम है एवरेज से, और एवरेज ना बढ़ेगा ना कम होगा, कांस्टेंट होगा अगर मार्जिनल की वैल्यू एवरेज के बराबर है। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, मैग्नेट वाले एग्जाम्पल से। सपोज एवरेज को हम मान लें मेटल और मार्जिनल को मैग्नेट, अगर मार्जिनल जो कि मैग्नेट है वो एवरेज के ऊपर है तो एवरेज बढ़ेगा, अगर मैग्नेट मार्जिनल अगर नीचे है तो एवरेज कम होगा, और अगर इसके बराबर है तो एवरेज ना बढ़ेगा ना कम होगा। दूसरा, सपोज विराट कोहली का स्कोर अभी तक एवरेज स्कोर चल रहा था हर एक मैच में 50, अब इस वाले मैच में, आज के मैच में अगर विराट ने स्कोर किया 60, जो कि पहले वाले एवरेज से ज्यादा था, तो इस एडिशनल मैच का स्कोर 60 है जो पहले वाले एवरेज से ज्यादा है, तो एवरेज इंप्रूव होगा, मतलब बढ़ेगा, एंड सो ऑन। आप समझ सकते हैं।